नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं वृष राशि की। हमारा जो पिछला वीडियो था वो मेष राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी, आज मैं आपको वृष राशि के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर मेष राशि के बारे में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। आज हम जो वृष राशि की बात करेंगे उसमें उसका स्वभाव, चरित्र, स्वास्थ्य, करियर, शुभ अंक, शुभ दिन, रत्न, प्रेम प्रसंग और उपाय, इन सभी विषयों पर, इन सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं वृष राशि की। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ वृष राशि के बारे में। वृष राशि एक सम राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, स्वभाव इसका सौम्य है, दक्षिण दिशा की ये मालिक है। साथ ही इसका जो जाति है वो वैश्य है, रंग इसका दही जैसा है यानी कि सफ़ेद है। रात्रि में ये बलि होती है। इसका स्वामी शुक्र व चंद्र इसमें उच्च का होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वृष राशि के लोगों का जो कद है या वृष राशि के लोगों का जो शारीरिक बनावट है वो किस प्रकार की होती है। तो अगर देखा जाए तो इनका कद औसत रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते। इनका जो ललाट है, ललाट जिसको फोरहेड कहते हैं, वो बहुत ही चौड़ा होता है। गर्दन इनकी सुगठित होती है, कंधे अच्छे चौड़े होते हैं, सुगठित एवं मोटे, आँखें चमकदार, बाल काले तथा कई बार आगे से घुंघराले भी होते हैं, कई बार मुँह पतला और शरीर भारी भरकम भी होता है। अगर इनके स्वभाव की बात की जाए तो ये घमंडी होते हैं, अभिमानी होते हैं, हठधर्मी होते हैं, मतलब हट करते हैं ये हर चीज़ के लिए, गुस्से तो होते ही हैं, भड़क जाते हैं बार बार, छोटी छोटी बातों पे भड़क भी जाते हैं। अपने आप में मस्त खाने पीने के शौकीन तथा अपनी ही धुन में मस्त रहना इनका एक विशेष गुण है। क्योंकि वृष राशि एक स्थिर एवं पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए इनमें सहन शक्ति व धैर्य बहुत होता है। ये परिश्रमी होते हैं तथा लंबे समय तक कार्य में लगे रहते हैं। यदि इनको अधिक छेड़ा जाए तो ये क्रोधित हो जाते हैं और सब किया कराया बिगाड़ देते हैं। ये जिद्दी व अड़ियल भी होते हैं। दृढ़ता और सख्त ज्ञान होना भी इनकी विशेष गुण है। यदि इन्हें प्रेम से कोई काम दिया जाए तो ये स्वयंमेव करते हैं, मतलब अगर ये प्रेम से इनको कोई काम दिया जाए तो ये बहुत ही दिल लगा के उस काम को करते हैं और करवाने वाले की शाबाशी भी प्राप्त करते हैं, यानी जिसने उसको काम दिया है वो इंसान इनको शाबाशी भी देता है। इनकी स्मरण शक्ति बहुत बहुत अच्छी होती है। ये ईर्ष्यालु होते हैं, किसी भी बात को वर्षों तक मन में रखते हैं, मतलब ये भूलते नहीं हैं और अपने मन की बात किसी और को नहीं बताते जब तक कि उनका उद्देश्य पूरा ना हो जाए, मतलब कोई बात जब तक वो उनकी हो नहीं जाती तब तक वो किसी को अपनी बात नहीं बताते हैं। उत्तम भोजन, सुगंधित वस्तुएँ, उत्तम वस्त्रों, दूसरों की खातिरदारी खूब करते हैं ये लोग। गाने बजाने के प्रेमी होते हैं, विलासी एवं कार्य व्यवहार में कुशल होते हैं। धन खर्च करने में साधारणतर थोड़े कंजूस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फिजूल खर्ची करते, खर्चीले ज़्यादा नहीं होते ये लोग। यदि इनके साथ छेड़खानी की जाए तो पूरी शक्ति के साथ उनका विरोध करते हैं जो इनकी छेड़ करते हैं। पढ़ाई ये लगन व मेहनत के साथ करते हैं। यदि ग्रह की स्थिति ठीक हो तो अपनी लगन व मेहनत से बहुत ही सफल होते हैं। अगर इनके प्रेम प्रसंग की बात की जाए, ठीक है, तो प्रेम प्रसंग मित्रता मजबूत एवं स्थायी होती है, यानी जिससे भी ये प्रेम करते हैं या जिससे भी इनकी मित्रता होती है वो स्थायी होती है, लंबे समय तक चलती है। ऐसा नहीं कि आज इनको मित्र बनाए कल छोड़ दिया परसों दूसरे को बनाए, ऐसा नहीं करते हैं। ये जो प्रेम और मित्रता इनकी लंबी चलती है। मित्रों तथा परिवारों का स्नेह प्रेम इन्हें मिलता रहता है, मतलब मित्र भी इन्हें प्रेम करते हैं और परिवार के लोग भी इन्हें बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार समाज में मान मर्यादा अच्छी होती है। गृहस्थ जीवन आनंदमय होता है। अपने जन्म के स्थान के साथ इनका बहुत लगाव होता है, मतलब ये अपनी मदरलैंड को बहुत ही पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ सहज ही स्थायी संबंध बन जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जिनकी राशि वृष राशि है वो लोग अपनी स्त्री के, अगर ये विवाहित है तो स्त्री के, ये खुद की पत्नी है, उसके अलावा भी दूसरी जो स्त्रियाँ हैं इनके साथ उनका जो संबंध है, उनका जो मतलब जिसको जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, वो आसानी से बन जाते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं। इनका विवाह साधारणतः 25 से 27 वर्ष की उम्र के बीच में हो जाता है। अगर इनकी करियर की बात की जाए, क्योंकि शुक्र इस राशि का मालिक है तथा ये स्थिर राशि है, भोग विलास की वस्तुएं जैसे क्रीम पाउडर, गहने, रत्न, सजावटी चीज़ों का व्यापार ये लोग करते हैं। साथ ही कृषि एवं हाथों से काम करने में विशेष रुचि रखते हैं। सुनार की दुकान, होटल, अभिनेता, संगीतकार, फिल्म प्रोड्यूसर, समाज व जनसेवक, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम,
विभागीय अधिकारी एवं सेना में भी सफलता अर्जित करते हैं। इतनी सारी फील्ड है, इनमें से कोई सी भी फील्ड में ही जा सकते हैं। अगर हम इनके आयु के जो इम्पोर्टेंट ईयर है वो जाने तो इसमें 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 45 ये जो ईयर हैं, ये ईयर विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंदर पढ़ाई, विवाह, नौकरी, संतान आदि इन सभी के लिए ये जो साल हैं ये बहुत ही अच्छे साल माने जा सकते हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण साल इनमें माने जा सकते हैं। ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं तथा कई बार अधिक खा जाते हैं। आहार की अनियमितता एवं अधिक परिश्रम करने के कारण कई बार ये बीमार भी हो जाते हैं। अगर इनके रोगों की बात की जाए तो नेत्र रोग यानी आँखों के रोग, गले, कान आदि के रोग, फेफड़ों के ऊपरी भाग के रोग, चर्म, मांसपेशियां व अपच, पेट, गैस, बदहजमी भी इनको बनी रहती है। कई बार मूत्र की बीमारी या अंगों पर खारिश भी हो जाती है। इस प्रकार के रोग इनको होने की संभावना अधिक रहती है। अगर हम बात करें इनके शुभ दिन की तो शुक्रवार इनके लिए शुभ दिन रहेगा। दही जैसा सफ़ेद रंग जो होता है यानी सफ़ेद रंग इनके लिए शुभ रंग है। 6 की संख्या, 6 की जो नंबर है, 6 नंबर है, ये इनके लिए शुभ अंक है। 3 एवं 9 की संख्या तथा हल्का पीला रंग भी इनके लिए अनुकूल हो सकता है। अगर हम इनके रत्नों की बात करें तो हीरा जो रत्न है वो इनके लिए शुभ रत्न होगा। इसको अगर एल्यूमिनियम या फिर चांदी की अंगूठी में 2.5 रत्तिक से ऊपर का अगर बनवा कर अपनी लास्ट उंगली, जिसको हम कनिष्ठ का उंगली कहते हैं, अगर इसमें धारण करते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। शुक्रवार को इसको धारण करना चाहिए। इसके साथ ही अगर मान लीजिए पन्ना या फिरोजा भी अगर पहनते हैं, इसके मतलब ये नहीं पहनना, अगर मान लो उनको हीरा नहीं पहनना है तो वो पन्ना और फिरोजा भी पहन सकते हैं। अगर उपाय की बात करें तो माँ दुर्गा की उपासना इनको बहुत ही फलदायी होगी। तो ये था वृष राशि का हाल। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।